5 फरवरी को आगरा के पश्चिमपुरी स्थित एमकेपुरम के श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर पार्क में अनहम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज के 25वां रजत संयम दीक्षा दिवस के उपलक्ष में अरहम ध्यान योग शिविर लगाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज के शिष्य अरहम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज का 25वां रजत संयम दीक्षा दिवस मनाया गया, जो आगरा के पश्चिमपुरी स्थित श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर पार्क में अरहम ध्यान योग के साथ इस दिवस को सार्थक किया। पच्चीसवें रजत संयम दीक्षा दिवस के उपलक्ष में योग गुरु सिद्धार्थ जैन एवं SDM मथुरा प्रीति जैन के सानिध्य में अरहम ध्यान योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाओं ने भाग लिया। मंच से सिद्धार्थ जैन एवं SDM मथुरा प्रीति जैन ने अरहम ध्यान योग शिविर में आए सभी श्रद्धालुओं को पंच मुद्रा ध्यान योग कराया। इस दौरान भक्तों का उत्साह अरहम योग के प्रति देखते ही बन रहा था। आज अरहम योग प्रणेता पूर्व मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज के 25वें दीक्षा दिवस समारोह का, जो कि रजत जयंती भी है उनकी, आज 5 फरवरी के दिन उन्होंने दीक्षा ग्रहण की थी मुक्तागिरी में। उनके दीक्षा संयम दिवस पर आज एक छोटा सा कार्यक्रम अरहम ध्यान योग का आयोजित किया गया है। मुनि श्री की प्रेरणा से अरहम ओम, जो कि शक्ति, और अरहम जो कि शांत शुद्धता का प्रतीक है, इससे परम शांति प्राप्त करने के लिए सभी को स्वास्थ्य लाभ हो, सभी चिंताओं से मुक्त हों, दुखों से उनको आराम की अनुभूति मिले, इसके लिए एक अरहम ध्यान योग का शिविर छाया दीदी और आपके मंदिर के सानिध्य से यहाँ पर आयोजित किया गया आगरा में। आज हमारे मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज, जिनके आशीर्वाद से हमारे पश्चिमपुरी के जनाले का शिलान्यास हुआ, निर्माण हुआ है, होने वाला है, भव्य निर्माण होने वाला है। उन महाराज श्री का आज 25वां रजत संयम दीक्षा दिवस आज बच्चों की उपस्थिति है, जिसके उपलक्ष्य में उनके द्वारा आज बच्चों की उपस्थिति बनाए गए, उनके द्वारा बच्चे बताया गया आराम योग का, सबको मिलेगा आराम ध्यान योग का यहाँ पर आयोजन किया गया है। वहीं योग गुरु ने अरहम योग की विभिन्न मुद्राओं की व्याख्या करते हुए बताया कि इस योग में पंच परमेष्ठियों का समावेश होता है। नागम, जिनवाणी, तत्वार्थ सूत्र और स्वाध्याय का मार्ग दिखलाते हैं, हमारे मन को साफ, निर्मल, पवित्र करके उसमें ज्ञान की गंगा बहाते हैं। ऐसे उपाध्याय परमेष्ठी को बारंबार नमन करते हुए पूरा ध्यान मस्तक। इस अवसर पर पश्चिमपुरी मंदिर के पदाधिकारियों ने अरहम ध्यान योग के बारे में जानकारी दी। आज परम पूज्य गुरु प्रणम सागर महाराज का 25वां रजत संयम दीक्षा महोत्सव मनाया जा रहा है। गुरुवर द्वारा जो अरहम प्रणम योग के द्वारा कैसे अपना जीवन स्वस्थ बनाया जाए, आज ये शिविर यहाँ पर लगाया गया। इसमें हमारे मथुरा से पधारी SDM महोदय द्वारा योगा ध्यान केंद्र लगा करके सभी लोगों को, सभी बच्चों, महिला पुरुषों को कैसे अपना जीवन स्वस्थ बनाए, ऐसे एक एक क्रियाएँ यहाँ बताई गई। और सबने सुबह 7 बजे से आकर 1 घंटे का ध्यान लगाया और गुरुवर के चरणों में आशीष प्राप्त किया। आचार्य विद्या महाराज के परम प्रभाव से अरहम योग प्रेरिता मुनि श्री प्रणम महाराज के 25वें रजत संयम दीक्षा दिवस, आज मुनि श्री को 25 साल हो गए दीक्षा हुए। इस आज के दिन हम इस मौके पर आज के दिन पश्चिमपुरी जैन मंदिर श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ पश्चिमपुरी पैज अरहम ध्यान योग की कहते हैं कि शरीर को स्वस्थ रखना है, शरीर को स्वस्थ रखना है तो ध्यान और योग दोनों जरूरी है। और हमारे इस मंदिर के जन्मदाता मुनि श्री प्रणम सागर जी महाराज, जिनका आज हम 25वां दीक्षा संयम रजत जयंती महोत्सव मनाने जा रहे हैं और हमने मनाया, उनके शिक्षाएं जो उन्होंने हमको योग सिखाया उसी को हमने उनके कृतज्ञतापूर्ण अभिवादन करते हुए आज हमने बहुत अच्छा एक सेशन किया, जिसमें सभी जैन और जैनेतर समाज के लोगों ने भाग लिया।
पश्चिमपुरी जैन मंदिर में आयोजित अरहम ध्यान योग शिविर में समग्र पश्चिमपुरी सकल जैन समाज बड़ी संख्या में सम्मिलित हुआ। जैन फोकस के लिए आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। जिसने भी ये मंत्र पढ़ा दुख सारा ही दूर किया, जिसने भी इसको ध्याया सुख का पारा वाल लिया, सुख का पारा वाल लिया।